दोस्तों, आपके पास रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन है, उसमें इंटरनेट नॉट वर्किंग है, या फिर रियलमी के स्मार्टफोन में नेट नहीं चल रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो डेली पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले चला जाना चाहिए। तो चलिए गुड इन्फॉर्मेशन आपके लिए शुरू करते हैं, कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके लिए आपको सिंपल से क्या करना है, आपको सिंपल से अपनी वॉल की सेटिंग में जाना है। ठीक है, वॉल की सेटिंग में जाएंगे, रियलमी स्मार्टफोन के वॉल की सेटिंग में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिम कार्ड एंड वॉल डाटा, या फिर आपके स्मार्टफोन में यहाँ पे वॉल नेटवर्क भी हो सकता है अगर आपका UI3 है। ठीक है, तो इस तरीके से आएंगे। अब जो भी सिम है उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो अनेबल लिखा है ये आपका यहाँ ऑन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिससे मैंने इसे ऑन कर दिया है। ठीक है, ये आपका ऑन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ डाटा रोमिंग है वो ऑन होनी चाहिए, वोल्ट कॉल ऑन होनी चाहिए, वाईफाई कॉलिंग बंद होनी चाहिए, और ये नेटवर्क जो टाइप आपको यहाँ शो हो रहा होगा 3G 2G इस तरीके से 4G ये सिलेक्ट होना चाहिए। आपके फ़ोन में LTE मोड होगा तो उसे आप ओनली LTE मोड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब एक्सिस पॉइंट पर क्लिक करके यहाँ टू डॉट्स पे क्लिक करेंगे और रीसेट एक्सिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से आप क्या कर देंगे, यहाँ से आप रीसेट कर देंगे। ठीक है, रीस्टोरिंग आप देख सकते हैं, ये आपको करना है। उसके बाद यहाँ कैरियर का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ऑटो सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जो नेटवर्क आपके मोबाइल का है। ठीक है, जैसे मेरी अभी जो सिम है वो एयरटेल की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखो मैंने तरीका बताया है। और सेकंड सेटिंग है, आपको इसी में सेटिंग में ही रहना है, और यहाँ पे मिलेगा एडिशनल सेटिंग, और यहाँ पे नीचे की तरफ मिलेगा बैकअप एंड रीसेट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, ये आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपके सामने 2-3-4 ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे, तो यहाँ पे नेटवर्क मिलेगा तो नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर देंगे। उसके बाद सिस्टम सेटिंग भी आप यहाँ से रीसेट कर देंगे। अब आप कहेंगे आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप इस तरीके से बैक जाएंगे। नेक्स्ट सेटिंग है, आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन बार को नीचे खींचना है, और यहाँ आपको मिलेगा एरोप्लेन मोड, इस पर क्लिक करना है, एक बार क्लिक करना है, फिर से इस पर आप क्लिक करेंगे। बस इस तरीके से करेंगे, अब आपकी जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको YouTube यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाए। अभी आप देखेंगे, ठीक है, अभी ये नेटवर्क थोड़ा हमने डिसकनेक्ट किया है, इसलिए आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट आपको अपने पावर वाले बटन को दबाना है, जिम वॉल का पावर वाला बटन होता है इस तरीके से, और उसे आप रीस्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ऑटोमेटिक ऑन होगा ये, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी सिम को बाहर निकालेंगे, दूसरे मोबाइल में डालेंगे, दूसरे मोबाइल में नेट अगर आ रहा है, यानी कि नेट सही चल रहा है, तो आपके स्मार्टफोन की सेटिंग है वो मैंने जो बताई वो सही करनी होगी। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये देखना है कि आपका इंटरनेट बचा है कि नहीं बचा है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपका नेट भी नहीं होता है, डेली का ख़त्म हो जाता है, या फिर आपने रिचार्ज ही नहीं करवाया होता है। तो सबसे पहले देख लेना है आपके फ़ोन में इंटरनेट है कि नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मैं लेता हूँ इस वीडियो में विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।